हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जन्मों जन्मों का है, बहुत डीप और बहुत डेंस लव है, तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार, माँ तारा की एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड आया है द जजमेंट। थर्ड कार्ड आया है हमारा द मून। फुल मून का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सन पर। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा अर्धनारेश्वर जी आ गए, शिव शक्ति आ गए, टेम्परेंस, और बॉटम में है हमारा द मैजिशियन। अब आपके पर्सन ना काफ़ी पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर, सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव चाहते हैं। आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं कि अब फ्यूचर में आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा, परफेक्ट होगा। द टावर मोमेंट की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में अभी तक टावर मोमेंट चल रहा था, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन एनलाइनमेंट की तरफ हैं और आपके पर्सन अवेयर एंड अवेकन्ड हो चुके हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी, या बहुत जल्दी अवेयर एंड अवेकन्ड होने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड है, वो इस कनेक्शन में न्याय चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं, डिवाइन का जस्टिस चाह रहे हैं। आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि आपको वो हमेशा हमेशा के लिए खो दें। तो फुल मून का इम्पैक्ट आपके पर्सन पर काफ़ी पड़ा है। आपको लेकर वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, और बाय हार्ट इस कनेक्शन में अब बैलेंस चाहते हैं। आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। जैसे ये अर्धनारेश्वर, शिव और शक्ति एक दूसरे में मर्ज होकर पूरी तरह से एक हो गए हैं, इस तरीके से आप में समाना चाहते हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और द मैजिशियन है, अब आप दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए आपके पर्सन प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं, होप फॉर द गुड। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, स्टार कार्ड क्यों आया है? द स्टार कार्ड क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? तो नाइन ऑफ कप्स, डेफिनेटली उन्हें काफ़ी भरोसा है कि अब उनकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, दैट मीन्स आपके साथ वो बहुत जल्दी रीयूनाइट होने वाले हैं। और बॉटम में है सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगर कुछ छुपाया हुआ था उन्होंने अब तक आपसे, तो हो सकता है कि वो खुलकर बताएं, या फिर उनके बारे में आपको कहीं से कुछ पता चल जाए। एंड डेफिनेटली जो क्लाउड्स थे, जो कन्फ्यूजन्स थी, वो अब ख़त्म होने वाली हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं और नेक्स्ट मूव लेने के लिए प्रॉपरली रेडी हो चुके हैं। रीडिंग सभी साइंस के लिए है, फिर भी मैं साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक बहुत प्रोमिनेंट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 2, 11, 29, 10, 19, 28, 1, 8, 17, 26, 5, 14, 23, 6, 15, 24, ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जजमेंट क्यों आया है? द एम्परर। अगर अभी तक वो अपने अहंकार की वजह से नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपके पर्सन अपने अहंकार को साइड में रखकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनको समझ में आ चुका है कि पूरी लाइफ रहेंगी, क्योंकि जब तक लाइफ है इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं बच सकता, लेकिन अब आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर अभी तक वो बहुत कुछ छुपा रहे थे, अपने बारे में खुल के नहीं बता रहे थे, तो अब बताना चाहते हैं और इस रिश्ते की एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, द मून क्यों आया है? द मून क्यों आया है? द मून क्यों आया है? ओम साईं राम।
द स्टार, वाओ। माँ तारा की एनर्जी बार बार आ रही है जो कि ये बता रही है कि डेफिनेटली आप लोग रीयूनियन के बहुत नियर हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन ऑलमोस्ट हो चुका है। आपके लव एंड रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। इनसिक्योरिटी, डर आप दोनों के कनेक्शन से रिमूव हो रहा है और आप दोनों परमानेंटली एक दूसरे के साथ रीयूनाइट करने वाले हो। बॉटम में है सिक्स ऑफ कप्स। आपके पर्सन ना बहुत जल्दी आपको सरप्राइज दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कन्फेस्ट कर सकते हैं लव को, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको डेट पर ले जा सकते हैं और आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं टेम्परेंस क्यों आया है, किस चीज़ का धैर्य रखने की ज़रूरत है अभी भी। एट ऑफ कप्स, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, आपको लगता है कि यार मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो डिवाइन कह रही है कि इतना होपलेस, इतना डिसअपॉइंटेड, इतना नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, धैर्य रखो, संयम रखो। अभी तक आपने बहुत धैर्य रखा है, नो डाउट इन दिस, और अब देखिए आप बस एक दो कप्स की दूरी पर हो और आपका रिश्ता रीयूनाइट की तरफ जा रहा है, तो आप ओवर इमोशनल, नेगेटिव, इनसिक्योर मत हो और थोड़ा सा धैर्य रखो, बैलेंस बना के रखो एनर्जीज़ में, मस्कुलिन एनर्जीज़ में एंड फेमिनिन एनर्जीज़ में, और थोड़ा सा इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली हैंडल करो। इमोशनली आपने बहुत हैंडल कर लिया, अब ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिकली, लॉजिकली हैंडल करने की। अपने इमोशंस को बैलेंस करो, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो, ठीक है, देन डेफिनेटली ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। संयम और धैर्य रखने की अभी भी ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं द मैजिशियन क्यों आया है, द मैजिशियन क्यों आया है, द मैजिशियन क्यों आया है। ओम साई राम। मैजिशियन आया है किंग ऑफ वैंड्स। अब आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को अब आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं और हर तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको अपना भाग्य, आपको अपना डेस्टिनी, आपको अपना लकी चार्म मान चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए अब उनके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा। तो अब आपके पर्सन डिवाइन से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि उन्हें बस आप मिल जाएं तो उनकी लाइफ का हर एक पर्पस पूरा हो जाए। अब हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड कब तक होगा। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड कब तक होगा। ओम नमः शिवाय। सो चेक करते हैं द स्टार। आप में से कई लोग हो सकता है माँ तारा से, ग्रीन तारा से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हों, उनके मंत्रास के जाप कर रहे हों, क्योंकि स्टार की एनर्जी बार बार आ रही है। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, डेफिनेटली अब नेक्स्ट एक्शन उनका रीयूनियन का ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक्शन उनका होगा रीयूनियन का, और ये कब तक होगा, नेक्स्ट 3 to 4 months, 3 to 4 weeks में आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है और ये रीयूनियन परमानेंट होने वाला है। आप में से कई लोगों के साथ इनकी वेडिंग भी फिक्स हो सकती है, ऐसी एनर्जीज भी हैं। आपको लेकर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अपने भावों को एक्सप्रेस करेंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे या फिर आपके साथ परमानेंट रीयूनियन करेंगे। आप में से कई लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं तो भी रीयूनियन की एनर्जी बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस प्रपोजल को अभी तक आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अब वो खुलकर एक्सेप्ट करेंगे बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो गाइडेंस आ चुकी है, संयम रखिए, धैर्य रखिए, लेकिन स्टिल हम गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ वैंड्स कि आपको एनर्जेटिक रहना है, लोअर डायमेंशन में नहीं रहना, पैशनेट रहना है, एनर्जेटिक रहना है। अगर कहीं ट्रैवल करने का मन है तो ट्रैवल करके आइए, घूम के आइए और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाइए।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी, अगर आप कॉल, टेक्स्ट और मैसेज का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के थ्रू, तो वो बहुत जल्दी 8 days 8 weeks में आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, मे गॉड ब्लेस यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। 4/22/13/31 की एनर्जी, 3/12/21/30, 8/17/26 ये नंबर्स, ये डेट्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।